हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब्स ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के साथ साथ उसके रूल्स पढ़े कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब अर्थात वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है। आज हम जो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलग अलग सेंटेंस पढ़ेंगे, चार सेंटेंस चलते हैं। पहले आपको मैंने बता दिया था पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस ए नेगेटिव। ये चार सेंटेंस चलते हैं, चारों सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर किस में चलता है, कौन से उसके एग्जाम्पल होते हैं, किस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं अर्थात उनके उदाहरण होते हैं, किस तरीके से उनकी हिंदी से अंग्रेजी बनाई जाती है, ये सब चीज़ें अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो अलग अलग सेंटेंस हैं उनके अंदर। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ नंबर एक पर पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम दूसरे शब्दों में अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी चलती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि वे बाजार में सामान खरीद चुके हैं, वे बाजार में सामान खरीद चुके हैं। ये एक वाक्य लिखा हुआ है। अब इसकी हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। हमने वाक्य हिंदी वाक्य था, उसके लास्ट में देखा चुके हैं लिखा हुआ है, हम पहचान गए कि ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसके अंग्रेजी बनाएंगे तो इस सेंटेंस को हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस था। कौन सा सेंटेंस था? पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर यूज लेंगे। पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कौन सा है, काम को करने वाला कौन सा है, सब्जेक्ट इस वाक्य में होगा वे। कौन होगा? वे। क्यों? क्योंकि यहां पर खरीदने का काम कौन कर रहे हैं? वे कर रहे हैं खरीदने का काम, वे खरीद चुके हैं तो सब्जेक्ट वे हो गया। वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है क्या है? कर्ता एक वचन है, बहुवचन है दे। हमने देखा कि कर्ता बहुवचन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी? हैव, दे हैव। वर्ब खरीदना, खरीदने क्या होती है? परचेज। परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, दे हैव परचेज्ड। उसके बाद सामान लगेज, बच क्या गया? बाजार में, इन मार्केट। ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से अपना दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है? कुछ नहीं, जो स्ट्रक्चर लिखा हो यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस इसमें नोट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वह है फूल नहीं तोड़ चुका है, वह फूल नहीं तोड़ चुका है। अब ये वाक्य इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। चुका है लास्ट में लिखा हुआ है, नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट तोड़ने का काम कौन कर चुका है? वह, वह की सब्जेक्ट हो गया ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, नेगेटिव इसलिए नहीं आया, नोट लगा दिया। वर्ब तोड़ना, तोड़ने क्या होती है? प्लक, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड। उसके बाद फूल, प्लक्ड द फ्लावर।
ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेंटेंस हमने तैयार कर लिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद तीसरा अपना आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर, इसके एग्जांपल्स। नंबर तीन पर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव का रूल हमने क्या पढ़ा था भाई, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे अब एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या राम मंदिर में जा, क्या राम मंदिर में पूजा कर चुका है। अब ये वाक्य हमने देखा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव है किससे शुरू हो रहा है, क्या से, दो टाइप होती है इंटरोगेटिव में भी। यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसके अंग्रेजी किससे शुरू करके बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। दूसरी टाइप, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रेसन सूचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी किससे शुरू करके बनाएंगे, उसी प्रेसन सूचक शब्द से उस वाक्य की अंग्रेजी शुरू करेंगे। क्या है, क्या से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य, इस वाक्य की अंग्रेजी बनाना शुरू करेंगे। कर्ता कौन है, राम, पूजा करने वाला राम है, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है इसलिए कौन सी यूज की जाएगी, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब पूजा करना, क्योंकि क्रिया कौन सी हो रही है, पूजा करने की। पूजा करने क्या होती है, वर्शिप, और वर्शिप के साथ क्या लगा देंगे, ईडी वर्शिप्ड, ये कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बच क्या गया, मंदिर में, इन द टेम्पल, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसी प्रकार से अपना चौथा सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस ए नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा, इंटरोगेटिव में जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, नेगेटिव है इसलिए क्या जुड़ जाएगा, नोट, नोट कहाँ जुड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद। स्ट्रक्चर सबसे पहले हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वे विद्यालय में क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे। ये वाक्य लिखा हुआ है, वे विद्यालय में क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे। अब इस वाक्य की हम हिंदी का वाक्य, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले हमने वाक्य को देखा कि वाक्य के अंत में सॉरी चुके थे नहीं चुके हैं, क्या आएगा यहां पर, चुके हैं, अंत में चुके हैं लिखा हुआ है। तो ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वाक्य को हमने देखा क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, प्लस में नहीं भी लिखा हुआ है इसलिए नेगेटिव भी है। तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था। अब इसकी हम क्या बनाएंगे, अंग्रेजी बनाएंगे। अब अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हिंदी वाक्य इंटरोगेटिव है, क्या से तो नहीं शुरू हो रहा है, वाक्य के बीच में क्या है, प्रेसन सूचक शब्द, इसी प्रेसन सूचक शब्द से इसकी अंग्रेजी बनाएंगी। सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगी, क्योंकि, क्योंकि क्या होती है, वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, पूरा स्ट्रक्चर फिर ये का ये रह जाएगा, कर्ता वे,
अर्थात सब्जेक्ट वे है, वे की अंग्रेजी दे, बहुवचन है इसलिए क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और हमने सब्जेक्ट दे, दे के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब क्या है यहाँ पर खेलना, खेलने क्या होती है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड। उसके बाद अपने को ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, बच क्या गया अब विद्यालय में की अंग्रेजी क्या होती है इन, और विद्यालय की स्कूल, और अंत में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपका ये इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था। आज के पीरियड में मैंने आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद अगला जो आपका चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपको कल के पीरियड में आपको पढ़ाया जाएगा।